हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं ये फ्रूट केक। तो देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अगर आपको भी इसी तरीके का टेक्सचर वाला फ्रूट केक चाहिए तो पूरा वीडियो फॉलो कीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कि आखिर इसे बनाना कैसे है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एग वाइट। ये एग वाइट जो है वो अंदर का जो एग का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो वाला है, ट्रांसपेरेंट पार्ट। और येलो वाला जो पार्ट है वो हमने अलग निकाल के रख दिया है। और ये अलग से हमने ले लिया यहाँ पे एग योक। तो ये एग योक जो पीला वाला पार्ट है उसको हमने अलग निकाल लिया है। और जो वाइट वाला पार्ट है उसमें एकदम येलो वाला पार्ट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारा फोम जो है वो नहीं बनेगा। अब देख सकते हैं इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक विस्क यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग इसे फेंट लेंगे जब तक देखिए इसमें फोम ना बन जाए। तो हमें इसे अच्छे से फोम बनाना है जब तक ये अच्छे से विप ना हो जाए, अच्छे से क्रीम फ्लफी ना बन जाए तब तक। आप इसे हैंड विस्क से भी कर सकते हैं पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक विस्क यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक बीटर। तो ये देखिए कितना बढ़िया एकदम फोम बन गया है। हमें इसी टाइप का टेक्सचर चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब देखिए इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमने एग योक निकाला था वो डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से। देखिए हम लोग एक एक करके डालते हैं और इसे मिक्स करते रहते हैं। देखिए इसका हल्का हल्का जो है इसमें हम लोग जो योक है पीला वाला उसका अंदर का उसको मिक्स कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, काफ़ी अच्छा सा फ्लफी मिक्सचर जो है हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालेंगे। इसमें हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालना है, देखिए इस तरीके से, एक बार में नहीं डालना है, देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को डालना है इसमें चीनी और इसे मिक्स करना है अच्छे से। अब इसमें हमने चीनी भी डाल दिया और देखिए कितना अच्छा फ्लफी सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे मैदा लिया है, इसे छान के और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे देखिए, और इसे हम लोग मिक्स करेंगे। तो बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये जो है देखिए इस तरीके से हमें मिक्स करना है। तो इस तरीके से जो हम लोग मैदा डाल डाल के थोड़ा थोड़ा मैदा डाल डाल के हम लोग इसे मिक्स करेंगे। हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा मिल्क पाउडर। तो जितना ज़्यादा मिल्क पाउडर डालिएगा उतना ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके डाला है मिल्क पाउडर और अब इसे हम लोग स्पैचुला के हेल्प से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरीके से देखिए मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स हो जाता है। और थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इससे क्या होता है कि एयर बबल्स जो हैं बैटर में एयर बबल्स आते हैं और उसके बाद ये जो हमारा जो केक बनता है बहुत फ्लफ़ी बनता है, बहुत स्पॉन्जी बनता है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग इसे मिलाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हमने इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से। देखिए अच्छे से एकदम स्मूथ मिक्सचर जो है हमारा बन के एकदम रेडी हो गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा ऑयल, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये हमने ऑयल जो है मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम लोग वनीला एसेंस। तो ये हमने वनीला एसेंस डाल दिया इसमें। तो ये देखिए ये हमने ले लिया है एक टेन और एक बर्तन ले लिया और इसमें हमने स्टैंड लगा दिया है। और अब इसे लिड कवर करके हम लोग फुल फ्लेम पे इसे प्रीहीट होने देंगे। और चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे चलिए हम लोग चलते हैं ड्राई फ्रूट्स के तरफ। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है रेजेंस, आलमंड, कैश्यू नट्स और साथ ही में ट्रूटी फ्रूटी और लिया है हमने यहाँ पे भतुआ पाक। तो ये जो होता है इसमें अब हमने डाला है थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं देखिए थोड़ा सा हमने डालना है। और अब इसे हम लोग को सब अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने एक बार ट्राई किया था मैदा इसमें डाल के, टूटी फ्रूटी में डाल के, इसे कुछ भी वर्क नहीं करता है पर पानी डालने पे सही में वर्क करता है। टूटी फ्रूटी आपको इवन अंदर में भी मिलता है खाने के लिए, तो आप पानी डाल के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैदा वाला मैंने ट्राई किया है, वो कम्प्लीटली फेल है, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो काम करता है।
अब चलिए इसे हम लोग साइड में रखते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे अपना एक हमने यहाँ पे केक टिन दिया है और इसे हमने ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर भी लगा दिया और ग्रीस भी कर लिया ऑयल से। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे लास्ट स्टेप में बेकिंग पाउडर। तो हमने यहाँ पे देखिए हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाला है और इसमें हम लोग डालेंगे एक पिंच के करीबन बेकिंग सोडा। और अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि मिक्स करेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से हमें देखिए इस तरीके से मिक्स करना है। एक ही बार में जल्दी मिक्स करेंगे तो एयर बबल्स नहीं आएगा। तो देखिए हल्के हाथों से हमें बस मिक्स करना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको मिक्स होने में। और उसके बाद हम लोग इसमें अपना मिक्स करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए इस तरीके से हम इसे आस्ते आस्ते हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए मिक्स हो भी गया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्टेप पे। ड्राई फ्रूट डालने का बारी आया है अब हमारा। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो अपना ड्राई फ्रूट जो हमने रखा है रेडी करके, देखिए कितना कलरफुल है, थोड़ा करके डालेंगे और अब इसे हम लोग मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा जो इसका जूस था, ये एक्चुअली आप जब मार्केट का खाते होंगे तो आपको हल्का सा वो फ्लेवर लगता होगा अलग। तो अगर आप वनीला एसेंस और ये जो इसका जो पानी होता है ना जो बचता है वो, तो ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया और जो पानी था इसका देखिए हल्का हल्का पिंकिश कलर आ गया है। और टेस्ट भी जो होता है टूटी फ्रूटी और बाकी सबका, वो फ्लेवर जो है इसका पानी में जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, जूसेस निकलता है, तो उससे क्या होता है कि उसका भी फ्लेवर आता है पूरा केक में। तो इससे भी बहुत अच्छा बनता है। और अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इसको भी ट्राई करके देखिएगा कि अपने टूटी फ्रूटी में पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के और उसे छोड़ दीजिएगा थोड़ा देर, जिससे कि उसका पानी जो है हल्का कलर छोड़ देगा, जब पिंक पिंक लगेगा उसका वाटर तो उसे डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा एकदम केक वाला फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से हमारा देखिए बैटर जो है रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम अपने बैटर को टिन में डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने अपने बैटर को टिन में डाल दिया है, सब बैटर हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे हमने अपना बैटर जो है डाल दिया है टिन में और इसे हम लोग थोड़ा टैप टैप कर लेते हैं, जैसे कि इसमें के जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब इसमें हमने जो बचा हुआ जो हमारा टूटी फ्रूटी था वो ऊपर से देखिए हल्का हल्का डाल देते हैं, इससे आपको हर जगह से इसका जो फ्लेवर है वो मिलता है। अब हम लोग अपना प्री हीटेड पैन में जो है तो कढ़ाई में उसे हम लोग रख देते हैं और अब इसे हम लोग ढक देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे ढक दिया है और अब इसे हम लोग मीडियम फ्लेम में पकने देते हैं 40 to 45 minutes, और उसके बाद हमारा केक रेडी हो जाएगा। हमारा केक जो है बहुत ही अच्छे से देखिए रेडी हो गया है। ये जो साइड साइड में आप देख रहे हैं इसका ब्राउन हो गया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए हमारा टूथपिक जो है क्लीन एकदम निकल रहा है, तो मतलब हमारा जो केक है वो रेडी हो गया। अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं। गाइज ये जो है हमारा केक जो है फ्रूट केक वो बन गया है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो इस तरीके से हम आप भी बनाएं और इन्जॉय करें घर में, और इस तरीके से ही आपका भी बनेगा अगर सेम मेजरमेंट से इन्जॉय करके बनाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे हमारे सबसे पहले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय।